जम्मू कश्मीर के राजौरी में घूंदा खवास इलाके में आतंकियों ने सेना के नए कैंप पर हमला किया है, जो कि सुदूर इलाके में स्थित है। सोमवार सुबह आतंकियों ने कैंप पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, पर आपको बता दें कि हमारी सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ा। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी भी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने बताया कि राजौरी के एक सुदूर गांव में सेना के एक नए शिविर पर आतंकियों ने एक बड़ा हमला बोल दिया है। इस हमले में एक जवान भी घायल हो गया है। आतंकियों ने सबसे पहले ग्राम रक्षा पुरुषोत्तम के घर पर हमला किया। हाल ही में उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए एक आतंकी को ढेर किया। आतंकियों ने सबसे पहले उनके घर के बाहर एक जानवर को गोली मार दी थी। उसके बाद गूंधा के आर्मी कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों के इस हमले से एक जवान बुरी तरह घायल हो गया है, जिसे लिफ्ट करके उधमपुर के कमांड अस्पताल में पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार सुबह 4 बजे कुछ आतंकियों ने सेना के कैंप पर फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग के बाद सेना ने जब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आतंकियों के आसपास जंगलों में छिपे रहने की आकांक्षा है। बता दें कि बीते हुए कुछ समय में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े हैं, और इन बीते हुए समय में आए दिन आतंकी सेना के किसी कैंप के काफिलों को निशाना बना रही है। पर आपको बता दें कि जब सेना ने भी आतंकियों का सफाया करने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया है, और हाल में सेना ने 3,000 अतिरिक्त जवानों को उतारा है। इतना ही नहीं, 500 पैरा कमांडो को भी जम्मू कश्मीर में उतारा है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक जवानों और आतंकियों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग को सुनकर गांव के लोग भी बाहर निकल आए हैं। इस हमले में कुछ जवानों के घायल होने की खबर मिली है। वहीं सेना और पुलिस ने चारों ओर घेराबंदी लाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है कि इस मामले में कितने आतंकी शामिल थे। हालांकि बीते दिनों में देखा गया है कि आतंकी गुट बनाकर हमला करते हैं।